रेडमी नोट 4 के लिए पिक्सल प्लस यूआई का 3.7 रैग्नारोक कोड नेम है, जिसका यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है। हालांकि रेडमी नोट 4 का कोड मीडो है, ये रोम का है रैग्नारोक। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स ज़रूर आपको यहाँ पे लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें रिमूव भी की गई है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंज मिलेगा, हेडर जैसे कि नेम जो देखने को मिलता है बिल्कुल मीवाइज जैसा मिलता है। वॉल्यूम स्टाइल भी कुछ चेंज हुई है, और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है, परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ये बिल्ड जो है स्मोकी की तरफ से आता है, पिछला बिल्ड जो कि फर्स्ट बिल्ड था स्मोकी की तरफ से जो कि मिला था, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस हमें मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फोन में जैसा कि यहाँ पे 3.7 मिल जाता है, पिक्सल प्लस यूआई का रैग्नारोक कोड नेम है, और ऑफिशियल बिल्ड है एंड्रॉयड वर्जन 11 है, और सिक्योरिटी पैच 5 जुलाई 2021 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिलती है। कर्नल आपका स्कारलेट ही है, लेकिन ये अपडेटेड कर्नल है। सेलिनक्स हमारा इन्फोर्सिंग मिल जाता है। वहीं हम बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में, तो ये आपका सर्च बार जो है ये पहले से चेंज है। ऊपर सेटिंग की जगह आप यूज़र नेम मिलता है, और अगर आप किसी सेटिंग्स में जाते हो तो ऊपर आपको हेडर नेम आप देख सकते हो, मीवाई जैसा देखने में मिलने वाला है। आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ यहाँ पे अगर आप टॉगल जो होते हैं स्विच स्टाइल वाले, स्विच वाले जो हैं ऑन ऑफ करने वाले, आप देख सकते हो इनका भी स्टाइल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये भी जो है आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं। और एक चेंज और आपको मिलेगा कि कहीं भी सेटिंग में जैसे अलग अलग सेक्शन बना रहता है, जैसे कि यहीं पे बात करें अदर साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ, उस पर सेक्शन अलग ये है जैसे कि, तो इस पर एक लाइन हुआ करती थी हर एक जगह सेटिंग्स पे, लेकिन अभी जो है ये रिमूव हो चुका है। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि चेंजेस हमें क्या कुछ मिलता है। कनेक्टेड डिवाइस में आप देखोगे तो कास्ट प्रिंटिंग आपको बाहर ही अब मिल जाता है, जो कि पहले कनेक्शन में देखने को मिलता था। हालांकि कास्ट आपका वर्किंग मिल जाता है, कास्ट काम कर रहा है। और यहाँ पे आपका पिक्सलाइजर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट पे आपको पिक्सल प्लस यूआई मिल जाता है, जिसमें डेवलपर्स की नेम बाकी पिक्सल प्लस यूआई की डिटेल्स मिल जाती है। पहले यहाँ पे स्टेटस बार था, लेकिन अभी स्टेटस बार आपको साइड में मिल जाता है। ये तीन ऑप्शन ऊपर वाले आपके सेम है, लेकिन बैटरी इंडिकेटर ही न्यू ऐड किया गया, यहाँ पे पहले नहीं था। तो बैटरी स्टाइल अब आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, बैटरी लोकेशन होगी, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे पहले वोल्टी आइकन का ऑप्शन था, जिसमें वोल्टी स्टाइल आप चेंज कर सकते थे, हालांकि उसे जो है रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका वोल्टी जो है इनेबल रहता है यहाँ पे, एक आप देख सकते हो, लेकिन स्टाइल आप चेंज नहीं कर पाओगे। और वहीं अगर हम चलते हैं क्विक सेटिंग में, तो ट्रैफिक इंडिकेटर और का टिंट क्यूएस टाइल जो है ये पहले था, लेकिन यहाँ पे कॉलम एंड रो वाला आपका ऑप्शन, और यहाँ पे शो टाइल टाइटल न्यू देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आपको बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा के अंदर आपका पावर मेन्यू बिल्कुल सेम रहने वाला है, एडवांस रिस्टार्ट जैसे कि यहीं से आपको मिल जाता है इनेबल करने के लिए, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बाहर देखोगे तो आपका इनकॉल वाइब्रेशन भी पहले जैसा है, वॉल्यूम स्टाइल भी मिलता है, लेकिन वॉल्यूम स्टाइल के अंदर एक स्टाइल आपका सेफ शिफ्ट वाला जो स्टाइल है ये आपको न्यू देखने को मिलने वाला है। ये जो है वॉल्यूम स्टाइल आपको न्यू मिल जाता है इसके अंदर, तो एक स्टाइल है जो कि न्यू मिल जाता है। बाकी आपका ये स्टॉक वाला पहले की तरह मिलता है, लेकिन यहाँ पे गेमिंग मोड जो है ऐड कर दिया गया इसके अंदर, साथ साथ आपका जो है यहाँ पे हेडसअप का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया। तो ये दो ऑप्शन आपको न्यू मिलने वाले हैं यहाँ पे, गेमिंग मोड और हेडसअप वाला। अगर हम यहाँ पे बैक करते हैं, चलते हैं इसके यहाँ पे बैटरी के अंदर, तो बैटरी पे यहाँ पे पहले बैटरी परसेंटेज इनेबल करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, वो रिमूव कर दिया गया, क्योंकि अब आपको स्टेटस बार के सेटिंग में बैटरी का पूरा सेटिंग से मिल जाता है। और आपका नीचे जो है बैटरी टेम्परेचर आपको मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, तो ये लेटेस्ट ऐड किया गया है। बैटरी की बात करें तो जैसे कि 4 आवर यहाँ पे नॉर्मल ब्राइटनेस पे मैं यूज़ किया हूँ, 2 आवर यूट्यूब और 2 आवर एमएक्स प्लेयर पे 63% बैटरी हमें देखने को मिली, और पिछले जो अपडेट था उसके अंदर 62% देखने को मिली थी। तो बैटरी बैकअप यहाँ पे जो है सिमिलर ही देखने को मिल जाती है, और अभी भी जो है आपको अच्छी बैटरी मिलती है। और डिस्प्ले के अंदर आपका हालांकि ऊपर आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, यहाँ पे स्टेटस बार आपका जो दिया गया यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम आपको मिल जाता है, और आपका लाइव डिस्प्ले भी बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है यहाँ पे। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में चलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका ग्रिड सेम मिल जाता है, लेकिन क्लॉक स्टाइल आपको काफ़ी न्यू मिलने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पे फ्लूइड वर्जन 2 देखने को मिलता है। उसके बाद जितनी भी क्लॉक आपको देखने को मिलती है सभी जो है आपको लेटेस्ट देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पिक्सल प्लस यूआई वाला भी क्लॉक ऐड कर दिया गया यहाँ पे, जैसे कि अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है ये मिल जाती है। और यहीं पे जो है नीचे आपको कुछ और भी क्लॉक्स मिलती है, जो कि एंड्रॉयड एस वाली भी देखने को मिल जाती है, और बाय डिफॉल्ट आपका वॉलपेपर ये मिलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम बैक करते हैं तो बाकी आपका तो यहाँ पे सब कुछ सेम ही है। अगर आप लॉक स्क्रीन में भी जाते हो तो भी आपको चेंजेस सब कुछ सेम ही मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। नीचे आपका डबल टैप टू बैक जो कि वर्किंग मिल जाता है। और अब चलते हैं यहाँ पे साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, पूरी सेटिंग्स जो है सेम रहने वाली है। और सिक्योरिटी में चलते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी के अंदर भी आपका सब कुछ सेम है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है फिंगरप्रिंट का, तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी फास्ट जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स है, आप देख सकते हो।
काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स के साथ मिलता है और यहाँ पे हमारा फेस अनलॉक भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें दिक्कत कोई भी नहीं मिलती है। आपका स्क्रीन लॉक सेटिंग्स हो गया या फिर आपका ऐप लॉकर हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर पहले जैसा ही मिल जाता है। और अब चलते हैं यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग की तरफ। तो आप देख सकते हो डिजिटल वेलबिंग भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से जैसा पहले आपको मिलता था, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे सिस्टम में, तो सिस्टम के अंदर आपका जेस्चर मिलता है, यहाँ पे रिंगिंग है, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, पावर मेन्यू, एडिप्टिव प्लेबैक है, क्विक टॉर्च एंड प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है। बटन में जाओगे तो यहाँ पे इनेबल ऑन स्क्रीन नेवबार में आपको मिल जाता है, जो कि आप इनेबल कर पाओगे। हालांकि ये जो है इस बार आया मेरे को, ये जो है कभी कभार देखने को मिला इस अपडेट के अंदर। फिलहाल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो है यहाँ पे जेस्चर काम कर रहा है, फुल स्क्रीन जेस्चर अगर आप देखोगे इनेबल हो चुका है, जो कि हमें जेस्चर में जाना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन शो करने लगा है सिस्टम नेविगेशन का। और यहाँ पे जेस्चर की सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे चेंजेस आपको कोई भी नहीं मिलता। आप थ्री बटन नेविगेशन भी बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हो और जेस्चर को भी। तो यहाँ पर जो है आपका ये बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, पिक्सल एनिमेशन जैसे कि देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है सिस्टम में। तो हम बटन से जो है इसे ऑफ़ कर देते हैं। और बाकी आपका हार्ड बटन लाइट की बात करें तो वो बिल्कुल अच्छे से काम करता है, आप देख सकते हो ये जो है वर्किंग है। बाकी नीचे लॉन्ग प्रेस, एक्शन, ये सब मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बैक करके चलते हैं वापस से यहाँ पे सिस्टम में, तो सिस्टम के अंदर आपका नीचे जो है अपडेटर देखने को मिल जाता है। और अपडेटर के जस्ट नीचे आपको मिल जाता है सोमी पार्ट्स। सोमी पार्ट्स आपका पहले जैसा है, माई साउंड सेंसर जो है अभी भी फिलहाल मेरा यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बाकी FPS इन्फो एंड बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम पहले जैसे ही मिल जाती है यहाँ पे, तो इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता है। स्टेटस बार में अगर आप जाओगे तो इस बार जो है आपको स्टेटस बार के अंदर भी जो है टाइल्स में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टाइल्स, तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम आपको पहले वाली ही टाइल्स यहाँ पे मिलती है, इनमें आपको कोई भी न्यू टाइल्स नहीं मिलता है। हालांकि अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जैसे पिछले अपडेट में काफ़ी स्मूथ था जैसे कि बताया था, तो यहाँ पर जो है ये स्मूथ ही है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है काफ़ी स्मूथ यहाँ पे काम कर रही थी, इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं ऐप ओपनिंग भी अगर आप देखोगे तो ऐप ओपनिंग भी जो है इसकी काफ़ी स्मूथ मिल जाती है, तो ऐप ओपनिंग के अंदर भी आपको दिक्कत नहीं मिलता है, ये जो है काफ़ी स्मूथ है यहाँ पर। और रिसेंट भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे सेलेक्ट एंड स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, हालांकि अगर आप थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम चलते हैं कैमरे की तरफ, तो कैमरा हमारा बाय डिफॉल्ट कैमरा गो मिलता है, जीकैम आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इसके अंदर बस स्लो मोशन काम नहीं करता 8.1 में, बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट मोड, पिक्चर क्लिक कर पाओगे, FM आपका काम कर रहा है, पिक्सल प्लस UI का वॉलपेपर्स भी मिल जाता है यहाँ पे। इसके अंदर कुछ लेटेस्ट भी ऐड किए गए वॉलपेपर्स, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नीचे पल्स म्यूजिक भी आपको मिल जाता है। अब बात करें प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर जैसा पहले आपको बिल्कुल सर्टिफाइड देखने को मिल जाता, तो उसी तरीके से अभी भी आपको ये जो है सर्टिफाइड मिल जाता, तो आप आराम से बैंकिंग ऐप को यूज कर पाओगे। सेफ्टी नेट आपको पास मिल जाता है इसके अंदर, तो आपको इसके रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। और कॉलिंग के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका डुओ का भी यहाँ पे शॉर्टकट दिया गया, जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आप इससे भी कॉलिंग कर पाओगे। डायरेक्ट शॉर्टकट दिया गया यहाँ पे डायलर पे ही। हालांकि हम बात करें कॉलिंग की, तो वोल्टी आपका काम कर रहा है, वीडियो कॉल भी वर्किंग मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा था। जैसे कॉलिंग आपकी पहले थी उसी तरीके से अभी भी मिल जाती है, बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रही है। और एंटूटू स्कोर देखोगे तो 101,945 है, हालांकि पिछले अपडेट में 92,000 थी, लेकिन आपको बताया था कि सेकेंड टाइम जब टेस्ट किया था तब 92,000 आया था, फर्स्ट टाइम पे 98,000 था। तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 101,000 है, तो पिछले अपडेट से आपको बेटर ही यहाँ पे मिलता है, तो स्कोर जो है पिछले से बेटर मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने गेम की तरफ, तो गेम का जो ग्राफिक हो तो फिलहाल सेम मिलेगा स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक। तो हम जो है यहाँ पे खेलने वाले हैं फिलहाल स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे। और इस बार मेरा एक दिक्कत आया है कि यहाँ पर जो है पिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हाई मेरे देखने को मिल रही थी, करीब 2200 या फिर 150 इस तरीके से देखने को मिल रहा था यहाँ पे। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिला है, 100 तक जाता था या फिर 150 इस तरीके से देखने को मिल रहा था। और मैं यहाँ पे फ़ोन के डाटा से खेल रहा था, अपने दूसरे फ़ोन का जो है हॉटस्पॉट ऑन करके इस पर खेल रहा था, क्योंकि वाईफाई के जैसे कि आपको बताया कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे, फिलहाल कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ये दिक्कत हो रही मेरे साथ। तो यहाँ पर जो है फिलहाल मैं यहाँ पर जो गेम प्ले है मोबाइल डाटा से खेल रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर परफॉर्मेंस आपकी ज़रूर यहाँ पर इम्प्रूव हुई है पिछले अपडेट के मुकाबले, थोड़ी सी आपको बेटर मिल जाती है परफॉर्मेंस। लेकिन बस मेरा यही एक दिक्कत हुआ था मेरे साथ कि यहाँ पर जो है मेरा पिंग हाई हो रहा था, उसकी वजह से जो डिले वाला सीन था ये था। बाकी ऐसे अगर स्मूथनेस की बात करूँ तो आपको पिछले अपडेट से थोड़ी सी बेटर मिल जाते थे। अगर आप यहाँ पे गेम भी खेलना चाहते हो तो आप आराम से खेल सकते हो। हाँ, हैवी गेमिंग अगर आप करते हो ज़्यादा तो उसके लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, उसके लिए फिर कॉर्वस एंड्रॉइड 10 वाला जो बिल्ड है वो आपको ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस देता है अभी फिलहाल।
कि एंड्रॉयड 10 वाले बिल्ड जो है थोड़े से आपको एंड्रॉयड 11 से बेटर ही है अभी भी। तो यहाँ पे फिलहाल वो चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें इसके पिछले अपडेट की, तो पिछले अपडेट से ज़रूर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस मिल जाता थी। यही सारी चीज़ थी। बाकी एक चीज़ के लिए आप कंफर्म ज़रूर कर देना कि यहाँ पे पिंग जो है इस रोम में दिक्कत है या फिर यहाँ पे मेरा ही प्रॉब्लम था। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा कंफर्म कर देना अगर कोई ये रोम यूज़ कर रहा था, तो ये चीज़ जो है थोड़ा सा कमेंट में बता देना। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें चेंजेस मिलती है और परफॉर्मेंस जैसी भी थी यहाँ पे आपको कंप्लीट बता चुका हूँ क्या कुछ जो है चेंज हुआ है बैटरी बैकअप सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।